भारत और यूएई के बीच आज शाम 7:30 बजे शिखर बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वर्चुअली होंगे शामिल। रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 23 फरवरी तक जर्मनी और फ्रांस का दौरा। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग में होंगे शामिल। 20 फरवरी को पेरिस में फ्रेंच विदेश मंत्री के साथ इंडो पैसिफिक पर प्रमुखता से बात होगी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। 620 करोड़ रुपए की लागत से बनी है रेलवे लाइन। इस रूट से 36 नई ट्रेन चल सकेंगी। यूपी के तीसरे चरण और पंजाब में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीट और पंजाब की सभी 117 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या, मिल्कीपुर और रुदौली में करेंगे जनसभाएं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ में कई रैलियां। अखिलेश यादव के गढ़ करहल में सीएम योगी आज भरेंगे हुंकार। कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में भी करेंगे रैलियां। यूपी में तीसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिखाएंगे दम। जालौन, कानपुर और उन्नाव में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मिशन यूपी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअली महारैली को करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव में जोर आजमाइश में जुटे एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज जालौन में करेंगे जनसभा। पंजाब की भटिंडा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई दूसरे चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 49 दोषियों को मिलेगी सजा। 8 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सीरियल बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। कुमार विश्वास अपने बयान पर कायम। केजरीवाल को दिया चैलेंज, बोले मैंने जो कहा सच है, जवाब देने क्यों नहीं आते केजरीवाल। जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने, उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूँ। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को, आ जाए एक दिन। पंजाब की रैली में एक बार फिर राहुल गांधी ने केजरीवाल के रिश्ते आतंकियों से बताए। पूछा कुमार विश्वास के आरोप पर चुप क्यों है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा ऐसा कोई गांव नहीं जहां यूपी बिहार का भाई ना हो। रविदास भी यूपी के थे, निकाल दोगे। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, तो क्या आप संत रविदास को भी निकाल दोगे। लखीमपुर खीरी से अमित शाह ने चन्नी पर बोला हमला। कहा मैं देखता हूं यूपी के लोगों को पंजाब जाने से कौन रोकता है। सालों तक अमेठी और रायबरेली से चुनकर गए, सालों तक इलाहाबाद फूलपुर से चुनकर गए, और आज वो कहते हैं पंजाब में उत्तर प्रदेश वालों को घूमने नहीं देंगे। अरे मैं देखता हूं कौन रोकता है उत्तर प्रदेश वालों को, कोई नहीं रोक सकता। यूपी बिहार वाले बयान पर सीएम चन्नी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज। आरजेडी ने कहा अपनी प्रतिभा से बिहार के लोग देश दुनिया में जाने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जताई आपत्ति। इतनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये सब मालूम नहीं हमको, तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। विवादित बयान पर पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई, बोले प्रवासी तो पंजाब में विकास के लिए आते हैं, मैंने तो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और केजरीवाल जैसे लोगों की बात कही थी। मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं,
मैंने उनके बारे में बात की है। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। राहुल गांधी का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा मुफ्त बिजली देने से कर रहे थे मना, इसलिए अमरिंदर को कांग्रेस ने हटाया था। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। तीसरे चरण के लिए यूपी में धुआंधार प्रचार, फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा 10 मार्च को जीत की होली मनाएंगे, तो करहल में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह के साथ बीजेपी पर बोला हमला। होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम धूम से विजय की होली मना देंगे। इस बार ये जो उत्साह जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बेटे के लिए किया प्रचार। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी मुआवजा जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। यूपी के बांदा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली कर अपनी पार्टी के लिए मांगे वोट। अपना वोट बीजेपी सरकार अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विरोधी पार्टी बीएसपी को ही देना। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, कोई धक्का देकर निकालेगा तो तब देखेंगे। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का निकाल मतलब देके निकालेगा वो दूसरी बात है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह ने पार्टी छोड़ी, पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद से नाराज। हरियाणा में 75% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक हटाई, कहा एक महीने में समाधान देखे आए हाईकोर्ट। खट्टर सरकार ने प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून बनाया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता से विवाद सुलझाने की कोशिश में चिट्ठी लिखी, लेकिन जिस ट्विटर पर चिट्ठी जारी कर ममता से चर्चा की पेशकश की उस ट्विटर को ममता ने कर दिया था ब्लॉक। और ये कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लखीमपुर किसान हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष को मिली है जमानत। पुणे में शिवसेना नेता रघुनाथ कुचक पर रेप और अबॉर्शन कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज, रघुनाथ बोले हनी ट्रैप में फंसाकर मुझे बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं आरोप। महाराष्ट्र में चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए मंत्री नवाब मलिक, एंटीलिया विस्फोटक कांड की जांच कर रहा है आयोग, सचिन वाजे ने मलिक पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 22,000 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड घोटाले में एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स के छापे, चित्रा पर हिमालय की योगी को गोपनीय जानकारी देने के आरोप है, घोटाले में अहम नाम है ये अज्ञात बाबा। हजार करोड़ के बैंकिंग घोटाले के मुख्य आरोपी और एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने कई घंटों तक पूछताछ की, अगली बार दस्तावेजों के साथ आने को कहा। मुंबई में ऑनलाइन एग्जाम के मुद्दे पर हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिली। राजस्थान के कोटा में विवादित पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मार्च निकाला, कल पीएफआई का संस्थापक दिवस था, बीजेपी ने कहा गहलोत सरकार तुष्टीकरण कर रही है।
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज भी होगी सुनवाई। सुनवाई में बैन को असंवैधानिक बताया हाईकोर्ट में छात्राओं की अपील। शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की छूट मिले। कुल 7 याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर देश भर में बवाल जारी। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ने कैंपस में हिजाब और भगवा को पूरी तरह से बैन किया। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा ने यू मुंद्रा को 35-28 अंकों से हराकर प्ले ऑफ कर लिया टिकट। यूपी योद्धा के प्रमुख प्रायोजक एबीपी न्यूज है। 22 मुकाबलों के बाद अड़सठ अंकों के साथ यूपी योद्धा फिलहाल अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। टॉप की 6 टीमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।